सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पे क्या क्या आप करेक्शन कर सकते हैं, आप कैसे नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बेनिफिशियरी स्टेटस में आपको क्या क्या देखने को मिलता है और बेनिफिशियरी लिस्ट क्या है। दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देख लेना है, आपको देख लेना है आपको कौन सी जानकारी चाहिए इसमें से। रजिस्ट्रेशन के बारे में चाहिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं बताऊँगा। उसके बाद एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड के बारे में बताऊँगा। बेनिफिशियरी स्टेटस के बाद मैं आपको बेनिफिशियरी लिस्ट के बारे में भी पूरी जानकारी बताऊंगा। तो आपको दोस्तों पूरी वीडियो देख लेना है या जोन सी जानकारी आपको चाहिए उस हिसाब से आपको देख लेना है वीडियो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है, जिससे आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड जो भी जानकारी है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के बारे में बता देता हूँ। फार्मर कॉर्नर पर आपको आना है और उसके बाद आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, उसके बाद आपके सामने इस तरह से एक नया पेज खुल जाता है और अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन करना है या आपने नया आवेदन करना है तो आपको यहाँ अपना आधार नंबर डाल देना है। इस तरह से दोस्तों आपको नया अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड ये डाल देना है जो कैप्चा कोड यहाँ दिख रहा है। और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ आप देख सकते हैं रिकॉर्ड नॉट फाउंड विद गिवन डिटेल्स अगर आपको दिखाता है तो यानी आपका जो आधार नंबर है उस पे कोई रजिस्ट्रेशन नया नहीं हो रखा है। और इस तरह से आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड विद गिवन डिटेल्स का एक और दोबारा कन्फर्मेशन पूछता है और आपको यस दोबारा कर देना होता है। तो ये फॉर्म आपके सामने आ जाता है दोस्तों। इसमें आपको अपनी पूरी डिटेल डालनी होती है, बैंक डिटेल और काफ़ी कुछ जानकारी आपको इसमें डालनी होती है। उसके बाद आपको इसे सेव करना होता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, अभी नए आवेदन वेबसाइट पे सेव नहीं हो रहे हैं, सबमिट नहीं हो रहे हैं। और फॉर्म आप भर भी लेते हैं, ये सेव होने के बाद डायरेक्ट होम पेज पे चला जाता है और आपका जो है आपको ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और ना आपका फॉर्म सेव होता है। तो इसलिए आप अभी रजिस्ट्रेशन नया नहीं कर सकते। और अब दोस्तों आपको बता देता हूँ एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड के बारे में। आपको एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड पर क्लिक कर लेना है वापस से, अगर आपका आधार में करेक्शन करना है या आपको देखना है आधार में क्या क्या चीज़ें आप करेक्शन कर सकते हैं। तो आपको आधार यहाँ नंबर डालना है, आधार नंबर आपका जो है वो आपको यहाँ सबमिट कर देना है। दोस्तों, जब आप आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल के सर्च करते हैं तो आपको इस तरह से एक मैसेज दिखाता है एडिट आधार रिकॉर्ड डिटेल। जब आप एडिट करते हैं, अगर आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर करेक्शन और इट हैज करेक्टेड दिखाता है तो इसके दो मतलब होते हैं, या तो आपका रिजेक्ट हो चुका है या फिर आपका जो आवेदन है उसमें कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों, इसको चेक करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए आपको स्टेटस चेक करना पड़ेगा। स्टेटस में अगर आपका पूरी जानकारी सही दिखा रहा है और उसके बाद आपको ये दिखा रहा है तब तो सही है। और अगर आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर करेक्शन और इट हैज करेक्टेड दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका आवेदन जो है रिजेक्ट हो गया है, अगर आपको स्टेटस में कुछ जानकारी नहीं देता है या आपका रिजेक्टेड वहाँ दिखा देता है। दोस्तों, जब आप इसको एडिट करते हैं और अगर आपका एडिट करने में खुल जाता है तो आप इसमें नाम की स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, नाम इसमें चेंज कर सकते हैं और न्यू आधार नंबर आप इसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन वो भी आपका करेक्शन कितने दिनों में होगा, सेव कितने दिनों में, वेबसाइट पे अपडेट कितने दिनों में होगा, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कितने दिनों में। ये बहुत समय ले सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे आवेदन हो रखे हैं, उनके लिए काफ़ी समय वेबसाइट में जो अपडेट के लिए चाहिए होता है तो काफ़ी आपका इसमें समय लग सकता है। अब दोस्तों, स्टेटस कैसे आपको चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको बेनिफिशियरी स्टेटस पे क्लिक कर देना है इस तरह से। यहाँ आप आधार नंबर, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर से चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ आधार नंबर डालना है और गेट डेटा पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से पूरी जानकारी आपकी आ जाती है। फार्मर नेम आप देख सकते हैं, मोबाइल नंबर आपका आएगा, आधार नंबर आएगा, स्टेट आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा, विलेज, अकाउंट नंबर आप यहां से कंफर्म कर सकते हैं आपका अकाउंट नंबर सही है या नहीं है, IFSC कोड आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का स्टेटस, रजिस्ट्रेशन डेट, एक्टिव और इनएक्टिव का स्टेटस आप देख सकते हैं आपका अकाउंट का। उसके बाद PFMS बैंक स्टेटस आप देख सकते हैं, फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय PFMS बैंक दिखाएगा। तो आपकी जो बैंक की डिटेल है वो आपके आधार से मैच नहीं होती
और आपका जो आवेदन आपने फॉर्म भरा है उससे मैच नहीं होती, इसलिए ये आपका फॉर्मल रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड दिखाता है PFMS के द्वारा। दोस्तों ये PFMS के द्वारा अगर रिजेक्टेड दिखा रहा है तो आपका अकाउंट डिटेल और आपके आधार कार्ड और आपके जो आवेदन है इसकी डिटेल आपस में मैच नहीं होती, इसलिए रिजेक्टेड दिखाता है। और दूसरा जो दोस्तों आपका रिजेक्शन का कारण होता है, अकाउंट नंबर का कारण होता है, आपको जनधन या जो आपका सेविंग अकाउंट है, चालू खाता जिसको बोलते हैं, वो आपका होना चाहिए या तो, या फिर जनधन वाला आपका होना चाहिए। अब दोस्तों डाटा रिजेक्शन का रीज़न आप देख सकते हैं, रिजेक्टेड बाय बैंक एज पर बैंक अकाउंट नंबर इज इनवैलिड। तो आप देख सकते हैं यहाँ बैंक अकाउंट नंबर जो आपको दिखा रहा है ये आपको चेक कर लेना है, क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, या जो दिखा रहा है गलत अकाउंट नंबर दिखा रहा है इसलिए ये रिजेक्टेड हो रखा है। अब दोस्तों आपको चौथा ऑप्शन जो फार्मर कॉर्नर पे है बेनिफिशरी लिस्ट का है। बेनिफिशरी लिस्ट में आपको क्या देखने को मिलता है ये आपको बताएंगे। बेनिफिशरी लिस्ट को आपने क्लिक कर लेना है, यहाँ आप देख सकते हैं आपका इस तरह से एक पेज खुल जाता है। यहाँ आपको स्टेट अपना सेलेक्ट करना है, सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिला, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील, उसके बाद ब्लॉक मंडल या फिर जिसको ब्लॉक को मंडल बोलते हैं, और उसके बाद विलेज आपको सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों गेट रिपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद आपके सामने जो रिपोर्ट आती है ये लिस्ट आप देख सकते हैं, ये लिस्ट आती है, ये आपके जो गांव हमने सेलेक्ट किया है अकबरपुर, ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक, उसके बाद विलेज अकबरपुर। तो इस विलेज में जो जितने भी किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है उनकी ये लिस्ट आप देख सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं नाम वाइज, और इसमें देख सकते हैं आप कितने किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। तो इस तरह से आप पेज भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से अलग अलग पेज हैं, 10वें पेज में हम चले गए तो यहाँ आप देख सकते हैं 454 किसान भाइयों को यहाँ जो है प्रधानमंत्री सम्मान निधि की स्कीम के द्वारा जो पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं। और इस लिस्ट में आप अपना नाम भी इसी तरह खोज सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वेबसाइट में जो चार ऑप्शन आपको मिलते हैं आपका रिकॉर्ड चेक करने के लिए, एडिट करने के लिए और आवेदन करने के लिए, चारों के बारे में पूरा इस वीडियो में हमने बता दिया है आपको। और अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।